अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या हुआ? कहाँ थी आप? जारा के यहाँ थी, और कौन है? जरा जारा को फोन तो करो। क्यों? क्योंकि जरूरी है, हम बात करना चाहते हैं जारा से। मिलाइए फोन। क्या कर रही हैं आप? मेरी दोस्त के आगे मुझे एम्बैरेस करेंगी, वो क्या सोचेगी? दैट यू डोंट ट्रस्ट मी। तो तुम साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि तुम कहाँ थी? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं जहाँ भी जाऊँ। ये किस लहजे में बात कर रही हैं आप साथ से? जो जिस लाइक होता है ना, उससे उसी लहजे में बात की जाती है। तो अम्मी जान को बताओ कि रेस्टोरेंट में तुम किसके साथ थी? कब? डिनर पर। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। साफ साफ बताओ वरना मैं बताऊंगा। बताओ, क्या बताओगे? इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? तुम पे क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की? हाँ, इससे पहले कि हमारा दिमाग घूम जाए, जो बात है सच सच बताइए। अमीजा, इससे पूछे कि रेस्टोरेंट में ये जिसके साथ थी वो कौन है? इतनी घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है साथ? मामा वो सिर्फ मेरा फ्रेंड। मैं इतना जानता हूँ कि वो अजनबी नहीं था। फ्रेंड था? अभी तो आप हमसे कह रही थी कि आप जारा के साथ थी। हमारे मुंह पे झूठ बोल रही हैं हमसे? इतनी जुर्रत हो गई आपकी? कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई एहतराम नहीं रहा है? ये तरबियत दी है हमने आपको? मामा वो बस अभी ना, सैफुर्रहमान, आज के बाद आपका इस घर से बाहर निकलना बंद है। अपने कमरे में जाएं। मामा जी, हमने कहा आप अपने कमरे में जाएं। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं बेटा। निशान, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमें एहसास हो रहा है बेटा कि हमने अबीरा को आजादी देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। निशान, I'm sorry, मैं भी कुछ ज्यादा बोल के मैं परेशान था। जाहिर है बेटा, वो आपकी मंगेतर है। लेकिन बेटा, इस वाक्य का जिक्र आप अपने चाचा जान से मत कीजिएगा। आप इस चीज की फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जीते रहो बेटा।